हाय फ्रेंड्स, चूल्हा मसाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुड़ और आटे से बना हलवा का रेसिपी बताने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गैस जलाते हैं और दो बाउल हम पानी डालेंगे। हम एक बाउल आटा ले रहे हैं तो हम दो बाउल पानी डालेंगे। और हम ये 3/4 कप गुड़ है, ये मेरा 3/4 कप गुड़ है, इसको हम पानी में डाल देंगे। अब बस इसको खाली गलाना है हमको, चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को हमको गलाना है। थोड़ा सा हम चम्मच चला दे रहे हैं इसमें ताकि हमारा गुड़ गल जाए बढ़िया से। देखिए बीच में हम चम्मच चला दे रहे हैं, गुड़ हमारा गल रहा है। ऐसे तो हम गुड़ का चूरा कर लिए थे पूरा। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ हमारा गल गया है, अब हम इसको हटा दे रहे हैं, गैस बंद कर दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ज़रा सा फूड कलर है, ये थोड़ा सा फूड कलर है, एकदम ज़रा सा हम लिए हैं। आप केसर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें डाल दे रहे हैं हम और हिला दे रहे हैं। अब हम गैस बंद कर दिए हैं, इसको साइड कर दे रहे हैं। देखिए हमने 3/4 कप घी डाला है, ये 3/4 कप घी है, देसी घी हम डाल रहे हैं। अब इसको हम गलने देते हैं थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स, घी मेरा गर्म हो गया है, काजू हम सेक ले रहे हैं। देखिए काजू को हम खोल लिए थे सबको, हल्के ब्राउन होने तक हम इसको सेकेंगे। हल्का ब्राउन हो गया, अब हम इसको निकाल ले रहे हैं। देखिए सभी काजू हमने निकाल लिए हैं। थोड़ा सा गैस को हम सिम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा हम किशमिश डाल दे रहे हैं इसमें, इसको भी हम सेक ले रहे हैं पूरा। गैस सिम है, अब इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। देखिए गैस को हम एक बार सिम ही रखे हैं और ये एक बाउल आटा है, ये एक बाउल आटा हम लिए हैं, इसको हम सेक ले रहे हैं। अच्छा से ब्राउन होने तक अब इसको सेकेंगे बढ़िया से। देखिए मीडियम फ्लेम पे सेक रहे हैं हम इसको, बढ़िया से ब्राउन होने तक हम इसको सेकेंगे। फ्रेंड्स, गुड़ और आटे का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और गुड़ सर्दी के मौसम में बहुत ही गुणकारी होता है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेकिएगा, हाई फ्लेम मत करिएगा तो आटा जल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इसको एकदम सिम गैस पे कर दिया है, इसका बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। अब मैंने इसको सिम गैस पे कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा पूरा सिक गया है, हम गैस इसको बंद कर दिए हैं। हम इसमें गुड़ का पानी डालेंगे क्योंकि गुड़ का पानी उछलता है, इसीलिए हम गैस को बंद कर दिए हैं। और गुड़ के पानी को हम छान के डालेंगे क्योंकि गुड़ में कोई गंदगी होगी तो वो निकल जाएगी। गैस हम ऑन कर लेंगे। देखिए हमारा आटे और गुड़ का सीरा बनके तैयार हो गया है। अब हम ये काजू किशमिश इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम इलायची का पाउडर इसमें डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुड़ और आटे का हलवा बनके तैयार हो गया है। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमने इसके ऊपर बादाम की गार्निशिंग कर दी है। गार्निशिंग का रेसिपी मैंने आपको पहले भी बताया था। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।